प्रदर्शन इसलिए करें कि हम लोग पार्ट टू का स्टूडेंट है और यहाँ बगल में हॉस्टल है, उसी में रहते थे। हम लोग का फीस था 2760 रुपया पर ईयर का, जो अब 13,500 रुपया कर दिया गया है। कहाँ से हम लोग एफोर्ड कर पाएंगे, यही आप ही बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। इस वक्त BN कॉलेज के सामने मौजूद है। आपको बता दें कि छात्र जो है BN कॉलेज के गेट के सामने ही बैठ के प्रदर्शन करने लगे हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए हम इनसे बात करते हैं, किन मांगों को लेकर जो है आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए करें कि हम लोग पार्ट टू का स्टूडेंट है और यहाँ बगल में हॉस्टल है, उसी में रहते थे। हम लोग का फीस था 2760 रुपया पर ईयर का, जो अब 13,500 रुपया कर दिया गया है। कहाँ से हम लोग एफोर्ड कर पाएंगे, यही आप ही बताइए। कहाँ से हम लोग एफोर्ड कर नहीं रह पाएंगे इतना में, एक 4.5 गुना फीस बढ़ा दिया गया है। कहाँ से दे पाएंगे 13,500 रुपया, अचानक बढ़ा दिया गया। आओ, बोला जाता है कि 3,000 में क्या खोजते हैं 2700 में। BHU का फीस 120 रुपया, उतना सुविधा है, हम लोग के 3,000 में कोई सुविधा नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, ये 2 लाख रुपया लगाते हैं, 2 लाख रुपया लगाकर अपना चेंबर झाड़ता है, भूजा खाता है। हम गरीब किसान के बच्चे यहाँ क्यों ग्रेजुएट चाहता है कि ग्रेजुएट करे ही नहीं, पढ़े ही नहीं, इसका ये दिमाग मानसिकता है। 10 साल से जमा हुआ है, 10-10 लाख रुपया देता है BC के, कहा और उसके तो 3 साल में तबादला होना चाहिए, दूसरा तीसरा कॉपी गायब कर देता है। हॉस्टल का मुद्दा है, जाकर देखिए उसमें जंगल कतरा हुआ है, न स्वीपर है ना कुछ। 13 अलॉटमेंट हुआ स्वीपर का, 13 अलॉटमेंट का इन्होंने अपने में हॉस्टल में कोई सुविधा ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहाँ जो है गरीब बच्चे लोग पढ़ते हैं, और पहले जो फीस था वो 2700 कुछ रुपया था, अभी उसको बढ़ा के 13,500 कर दिया गया है। और हॉस्टल में ना कोई सुविधा है, ना हॉस्टल साफ है, जंगल निकला हुआ है, ना बेड है, ना पंखा है, कुछ भी नहीं है, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। 13,500 रुपया गरीब के बच्चे में कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। एक बार जाके देख लीजिए आप। आप जो है जो फीस भरी, तो BC से बात करने की कोशिश की, कल फीस कल का नोटिस आया है, आज हम लोग यहाँ पे आंदोलन के प्रिंसिपल है ये नहीं। दो कॉलेज कल प्रो BC के पास गए थे तो वो बोले ना कि हम 13 को स्टाफ मेन हॉस्टल नहीं आए हैं। आप ही बताइए, अभी तक 12:30 हो गया, अभी तक प्रिंसिपल नहीं आए हैं। भाग गया है प्रिंसिपल यहाँ से, जैसे ही पता। मनमानी करते हैं, अपने जो मन में आता है जो वो करते हैं, बताइए। पूरा डरपोक प्रिंसिपल है, रूल ला दिया, जब हम लोग प्रोटेस्ट किए तो कार लेके भाग गया। अब हम लोग यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, वहाँ नहीं होगा तो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे हम लोग जाके ताला लगाएंगे। अब यूनिवर्सिटी जाएंगे इसके बाद तो, अब यहाँ से हम लोग यूनिवर्सिटी लेंगे, अप्लीकेशन BC के पास जाएंगे, प्रो BC डीन उन जितना है सारे को देंगे। प्रिंसिपल भी नहीं है अभी, प्रिंसिपल भाग गया है जी, दिख नहीं रहा आपको ताला लगा हुआ, सो भाग गया है यहाँ से, वही प्रिंसिपल ऑफिस है, भाग गया है। रहता तो कार उर के सही तो उनका पूरा गायब हो जाता, भाग गया है जैसे ही हम लोग अंदर आए तो। कल रिजल्ट गड़बड़ी होने के कारण पार्ट टू का कल पटना यूनिवर्सिटी गया था, तो पटना यूनिवर्सिटी में VC नहीं थे, तो वहाँ पर जो स्टाफ थे उनको पूछा गया कि VC कहाँ है, तो वो बोल रहे कि VC जो 8 बजे से पहले आता है और फिर शाम में 6 बजे के बाद आता है, यानी नाइट ड्यूटी करता है। जबकि हम वहीं पर रहते हैं, न सुबह गेट खुला देते हैं मैं, न शाम में गेट खुला देते हैं। VC आता किधर से है? अभी प्रिंसिपल नहीं आया है। पार्ट टू का रिजल्ट इतना घटिया दिया है कि ऑनर से हमें बच्चा को 2 नंबर मिला है, जबकि हम लोग जो 20 से 23 का सेशन में दिए थे, 20 में एंट्रेंस से देकर एग्जाम देके तो हम लोग एंट्री किए थे। मतलब क्या है कि हम लोग का एंट्रेंस जो है वो चढ़वा विश्वविद्यालय लिया था क्या, कि जो बच्चा एंट्रेंस दे क्वालिफाई करके एडमिशन लेता है वो ऑनर्स पेपर में 2 नंबर लाएगा, ऑनर्स में 2 नंबर लाएगा। मतलब प्रोफेसर जो यहाँ पर पढ़ाता नहीं है, अटेंडेंस 100% आने के बाद 2 नंबर अगर ऑनर्स में आता है तो कुछ ना कुछ है कि अगर या तो प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहा है कॉलेज में, अगर पढ़ा नहीं रहा तो सरकार जो रुपया देता है प्रोफेसर को बेकार देता है, सरकार प्रोफेसर को हटाई। अगर आपकी बात प्रिंसिपल और VC नहीं मानते तो क्या करेंगे फिर? अगर स्टूडेंट से बढ़ के नहीं है ना, स्टूडेंट से बढ़ के नहीं है। आज हॉस्टल का और चंद क्लास का बच्चा आया है, अगर नहीं माना गया तो जितना भी कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी में, जितना भी कॉलेज है सब बच्चा प्रदर्शन करेगा, उससे नहीं माना जाएगा शिक्षा मंत्री के पास जाया जाएगा, उससे बढ़ के थोड़ी ना है। जनता के बात, स्टूडेंट के बात क्यों नहीं मानेगा? स्टूडेंट क्या ज्यादा थोड़ी है? स्टूडेंट की संख्या पटना यूनिवर्सिटी में 20,000 है, स्टूडेंट से बढ़कर थोड़ी है। जो अभी जो हॉस्टल का फीस था 2700 से 2500 था, सब हॉस्टल की ऐसा ही था,
अभी हॉस्टल है मेन हॉस्टल, इतना कचरा भरा हुआ है, इतना कचरा है आप उसे कल्पना नहीं कर सकते। कचरा भरा हुआ तो आप लोग कभी शिकायत नहीं किए कि इतना कचरा भरा हुआ है? डेली हम लोग प्रिंसिपल आते, दो दिन पहले फिर दिए थे, बीसी को दिया है, लेटर दिया है। अरे सरकारी क्या बोले? अरे बोले कि हो जाएगा, हो जाएगा, कहिया हो जाएगा, परमानेंट ऐसे ही हो पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। प्रिंसिपल बोले, लेटर दिए हम लोग यहाँ पर कि साफ करवाइए, स्लीपर दीजिए, कुछ कुछ नहीं हो रहा। बोला कि कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नाम तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हॉस्टल के नाम पे कोई स्टाफ ही नहीं है, जितने कुछ नहीं है कोई, लेकिन फीस ली जाएगी, फीस लीजिएगा। 13,500 रुपया फीस कर दिए, 2700 रुपया कहाँ से लेकर देगा? अच्छा बताइए, हम लोग थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, 2 साल से जो लड़का हॉस्टल में रह रहा है, अचानक से बोलेंगे कि 6 महीना के लिए 13,500 रुपया दीजिए, लेकिन कहाँ रहेगा 6 महीना के लिए, लेकिन कहाँ जाएगा? यहाँ पे प्रिंसिपल के पास आ रहे हैं तो इनका प्रभार, एक्स्ट्रा प्रभार इनको मिला हुआ है साइंस कॉलेज के, दिन भर अब साइंस कॉलेज ही रहते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। और कोई बच्चा के इमरजेंसी अगर कुछ साइन भी करवाना रहता है तो बच्चा को इंतजार करना पड़ता है, जाना पड़ता है साइंस कॉलेज में, कैसे होगा यहाँ? फी में हॉस्टल आवंटन में जो फी बढ़ाया गया, कल होके रजिस्ट्रेशन में फी बढ़ा दे या यूनिवर्सिटी चार्ज में, कल फिर कौन रिस्पॉन्सिबल? इसका सारा रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल सर है, और उनको चाहिए कि गरीब छात्र को भी पढ़ने के लिए दिया जाए, उनको भी आगे बढ़ने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं कि छात्र के जो है जो अमीर है वही सिर्फ आगे बढ़ सके, गरीब लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और जो यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है, हॉस्टल में ना साफ सफाई है ना कुछ है, जहाँ वहाँ का जो स्टाफ रहता है उसको यूनिवर्सिटी में बुला लिया गया और वहाँ पे यहाँ पे उसका काम लिया जा रहा है, और वहाँ पे जो है गंदगी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है उसे काम लिया जा रहा है। सिर्फ एक कमाने का जो है एक ये है, और ये यूनिवर्सिटी में साफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि साढ़े जो पहले 3,000 फी लगती थी अब उसको कॉलेज प्रशासन 10,500 कर दिया है। ये मनमाना ढंग से ये फी बढ़ोतरी तो चलेगा नहीं, सारे के सारे उसमें बच्चे गरीब थी वर्क से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, उतना फी वो कैसे पे कर पाएंगे? यही हमारी मांग है। JNU जैसा यूनिवर्सिटी में 2500 पर ईयर का फी लगता है, बताइए इस यूनिवर्सिटी में पर ईयर का फीस 3,000 से 10,500 कर दिया गया है, ये बच्चा कहाँ से लाया गया इतना पैसा? उसके गार्जियन उतना डिजर्व कर पाएंगे, उतना अफोर्ड कर पाएगा? हमारी यही मांग है कि जो पहले फी लगता था 3,000 वही फी रखा जाए, और इस ये जो मनमाना ढंग से फी बढ़ाया गया इसको वापस लिया जाए। तो आपने देखा कि छात्रों की मांग है, जो हॉस्टल की जो फीस थी वो अचानक बढ़ा दी जाती है बिना कुछ सूचना दिए हुए, प्रिंसिपल जो है अभी मौजूद नहीं है, हॉस्टल की व्यवस्था नारादत है, साफ सफाई की बात की जाए तो होती नहीं है, जब बार बार शिकायत भी की जाती है तो सफाई तक नहीं करवाई जाती है, लेकिन फीस जो है अचानक बढ़ा दिया जाता है। छात्र जो है पूरे गुस्से में दिख रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र का कहना है कि VC जल्द से जल्द जो हॉस्टल फीस बढ़ाई गई है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग जो है प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक फीस वापस नहीं होगी हम इसी गेट के सामने बैठे रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, लगातार खबर बनाए रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।